कृषि बिल विरोधी किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के भाग रूप गुजरात पर दो दिन की मुलाकात पर आए वैसे आंदोलनकारी राकेश टिकेट ने आज वडोदरा शहर में आगमन किया था, जहां छाने स्थित गुरुद्वारा के दर्शन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनी चलाती है वगैरह कई गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। कृषि कानून के विरोध में गुजरात किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के भाग रूप आंदोलनकारी किसान राकेश टिकेट गुजरात की दो दिन की मुलाकात पर आए हैं, जहां आज वडोदरा शहर के छाने स्थित गुरुद्वारा दर्शन करने के साथ आगमन किया था, जिसके बाद वे करजन और भरूच जाने के लिए रवाना हुए थे। राकेश टिकेट ने वडोदरा शहर में आगमन करने के साथ उनका स्वागत सत्कार करते हुए कांग्रेस के पूर्व विपक्षी नेता नगर सेवक तथा जिला कांग्रेस प्रमुख आ पहुंचे थे। दौरान शंकर सिंह वाघेला भी उपस्थित रहे थे। मध्य गुजरात के किसान नेताओं को मिलने के लिए किसान नेता राकेश टिकेट ने बताया था कि सरकार प्राइवेट कंपनी चलाती है, जहां अब सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। गुजरात गांधी जी और सरदार वल्लभ पटेल भाई का था, जहां शांतिपूर्ण आंदोलन हो चुके हैं। अब दोबारा से सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन वे चलाएंगे। सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का प्रलोभन देती है, जिसमें वो निष्फल साबित हुई है। युवाओं को अब आगे बढ़ना होगा। किसानों की जमीन प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है। अमूल दूध जैसी कंपनी भी अब बर्बाद हो चुकी है। ज्यादा में बताया गया था कि अब गुजरात में भी किसान आंदोलन को जारी रखा जाएगा। गांधीनगर में इसके भी प्रत्याघाती असर देखने को मिलेगी। दो दिन गुजरात की मुलाकात पर आए वैसे किसान अग्रणी राकेश टिकेट ने पत्रकारों के साथ रूबरू होने के साथ भाजपा के शासन में भय फैला रहा है और भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ़ते हुए अब किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप चलाया जाएगा और धरना भी शांति से किए जाएंगे, वैसा कहते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर और तीखे प्रहार किए थे। हम क्या ज्योतिषी है, आगे की बता देंगे, सरकार बताएगी आगे का। सरकार तो एक ही मोड़ पे है कि वो मना कर रही है, और करने तो आज्ञा हो जाएगा। आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, सरकार जब बातचीत करने आएगी तो जब बात कर लेंगे, कोई जल्दी हमें भी नहीं। आपको लगता है कि जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं के वहीं हो, ऐसा लग रहा है आपको? सरकार भी वहाँ की वहीं है, हम भी वहीं के वहीं हैं, हो जाएगा आर पार। तो ये सरकार को कानून वापसी लेने पड़ेंगे। जो एक तरफा पूरे संस्थान को बेचने का काम करा जा रहा, ये देश में अब नहीं होगा। जो नौजवानों से रोजगार की बात करी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो युवाओं को सामना आना पड़ेगा, युवाओं को आंदोलन करना पड़ेगा, अपने रोजगार मांगने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनी देश में आ रही है, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे, ये दुकानदार है ना, ये सब खत्म होंगे। 2 मॉल खुलेंगे एक शहर में, पूरा का पूरा शहर बर्बाद। गांधी और सरदार की भूमि पर आए हो, क्या लगता है सरकार आपकी आवाज सुनेगी? 4 महीने से आवाज तो नहीं सुन रही है। और सुन लेगी, कोई 6 महीने में सुन लगी, 8 महीने में सुन लगी। ये दिल्ली से किसान वापसी नहीं जाने वाला। अभी तो पूरा गुजरात का दूध का जो फार्मर्स है वो बर्बाद होगा। बाहर से एक समझौता हो रहा है, उसके तहत दूध आएगा और अमूल जैसी कंपनी यहाँ भी बर्बाद होगी। उसके लिए भी यहाँ के किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। टिकट जी, आपको ऐसा लगता है कि आपको जो सरकार बोल रही है कि जो किसानों की मांग थी वो आखिरकार ये राजनीतिक एजेंडा का टूल बन चुकी है? राजनीति का आलोय कहाँ है? राजनीति वाले तो है ही नहीं कहीं, दिखते तो हमें है नहीं कहीं, मिले तो बताइयो, बात करेंगे उनसे। नहीं बदल रहा है जनता जी, अभी तो खड़ी, मन तो बदल रहा है इनका। मन तो प्रेस का भी बदलना पड़ेगा ना, मीडिया का भी मन बदलना पड़ेगा। मीडिया भी अंडर प्रेस है, यहाँ पे प्रेस की भी आजादी जो छीन हुई, प्रेस को भी आजाद करवाना है, किसान को भी आजादी करवानी है। यहाँ के जो नेता बंद है अंदर अपने घरों में, जो बोल नहीं पा रहे, उनको भी आजाद करवाना है। अच्छा टिकेट जी, आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट की सरकार है उस स्टेट को चुन रहे हैं, आप बंगाल जाने की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी आप नहीं गए? नहीं नहीं, बंगाल में भी गए हम, तो राजस्थान में भी गए। राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार नहीं, पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ पंजाब में भी, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं। हमारा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसानों के खिलाफ काम करेगी, हम सब जगह जाएंगे। क्या एमएसपी पे खरीद हो रही है यहाँ पे? ओके, थैंक यू। एमएसपी एक बड़ा सवाल है कि एमएसपी पे खरीद हो। बापू जी, राजस्थान में आपके विरुद्ध कन्वे पे हमला किया गया था और आज आप गिरा पे हो, आपका आत्मविश्वास सही हो रहा है क्या? गुजरात आए हैं,
जिस प्रकार राजस्थान में 3 दिन पहले आपके कॉन्वे पर हमला हुआ, हाँ, हाँ, हुआ था, इस प्रकार आज गुजरात आप आए हो जहाँ पे 25 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है, तो क्या मानते हो यहाँ पे आपका जो दाल है वो बोलेगा? हाँ, क्यों नहीं होगा यहाँ पे, यही किसान यहाँ पे आंदोलन करेगा। 25 साल से जो किसान दबा रखा है, वाएगा मतलब दबा कर उनकी जमीन छीन ली किसानों की, 67 गांवों की जमीन एक कंपनियों को दे दी, तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, लंगर में बता।